दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जया बुद्धौ शरणं अन्विच्या कृपणाग फलगे तवग। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मफलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। आता कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। कृष्ण यहाँ भौतिक इच्छाओं से किए गए कर्म की आलोचना करते हैं। भौतिक इच्छा से किए गए कर्म परम भगवान को अर्पित किए गए निष्काम कर्म योग से बहुत हीन है। निष्काम कर्म योग का आश्रय ले। इस श्लोक में बुद्धि योग भक्ति योग के बजाय निष्काम कर्म योग को संदर्भित करता है। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। अन्य सभी प्रकार के कार्य मन की समता के साथ किए गए कार्यों से बहुत हीन है, जिसमें मुख्य परिणाम का त्याग करना और द्वितीयक परिणामों के संबंध में सफलता या विफलता के प्रति संभाव रखना शामिल है। दो प्रकार के कार्यों के बीच, एक संभाव के साथ और दूसरा आसक्ति के साथ, संभाव से जुड़ा पहला कर्म संसार के सभी कष्टों को दूर करता है और मुक्ति की ओर ले जाता है, जो मानव अस्तित्व का सर्वोच्च उद्देश्य है। बाद के प्रकार के कार्य, जो परिणामों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, व्यक्ति को संसार की ओर ले जाते हैं, जिसका चरित्र अंतहीन पीड़ा है। इस प्रकार जब कोई कार्य किया जा रहा हो तो बुद्धि मन की समता की शरण ले। शरण का अर्थ है निवास करना। उस बुद्धि में जियो, यही अर्थ है। वे दुखी हैं जो परिणामों के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इसका अर्थ है जो लोग परिणामों आदि के प्रति आसक्ति रखकर कार्य करते हैं, वे दुखी हैं, क्योंकि वे संसार में बने रहेंगे। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। पुरस्कार की इच्छा से शुरू किए गए कार्य अपमानजनक और घृणित है। परम चेतना के साथ साम्य प्राप्त करने वाली व्यक्तिगत चेतना के विज्ञान द्वारा आध्यात्मिक बुद्धि में किए गए कार्य कहीं बेहतर है। इसलिए आध्यात्मिक बुद्धि से कर्म करो और परमेश्वर की पूर्ण शरण लो।
लेकिन जो लोग इच्छा से प्रेरित और प्रेरित होते हैं, उनके पास केवल दुख और विपन्नता ही होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, जो कोई भी सर्वोच्च भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं होने पर इस पृथ्वी से चला जाता है, वह दयनीय स्थिति में होता है। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माध्वाचार्य की टिप्पणी। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने संभाव के लिए प्रयास करने का उपदेश दिया है, जिससे पता चलता है कि मार्ग योग और ज्ञान द्वारा है। अवराम का अर्थ है घृणित और दुरेना का अर्थ है त्यागना। इसलिए सभी सकाम गतिविधियों को त्याग कर व्यक्ति को आध्यात्मिक बुद्धि का पालन करना चाहिए और ज्ञान में स्थिर रहना चाहिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य सकाम इच्छाओं पर आधारित है। वह अपने कार्यों के फल का आनंद लेना चाहता है और अपमानित होता है। सभी जीवों के लिए परमेश्वर ही एकमात्र आश्रय है। जब यह एहसास अंतः जीवित इकाई की बुद्धि में आ जाता है, चाहे वे अज्ञानी हो, बुद्धिमान हो या मुक्त हो, वे बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो लोग भ्रम में स्वयं को परम भगवान कृष्ण के समान मानते हैं, जो अपनी अकल्पनीय शक्तियों और दिव्य गुणों के कारण स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, वे बिना किसी संदेह के अंधेरे की नारकीय दुनिया में उतरते हैं। वे नारकीय परिस्थितियों में शाश्वत दंड के लिए अभिशप्त हैं। नारद पुराण में कहा गया है, जो लोग परम भगवान कृष्ण में उनके नाम रूप गुणों लीलाओं अवतारों से अलगाव देखते हैं और जो लोग परम भगवान कृष्ण के भक्तों का उपहास करते हैं और उनकी महिमा को कम करने की कोशिश करते हैं, वे पाप में डूब जाते हैं। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। फल की प्राप्ति की इच्छा से कर्म करने वाले को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह सकारात्मक प्रतीत होता है, लेकिन इसकी बार बार निंदा की जाती है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ से किए गए कार्य निःस्वार्थ उद्देश्य से किए गए कार्यों से कमतर होते हैं। निःस्वार्थ उद्देश्य संभाव में संतुलित होते हैं। समता में एक निश्चित चेतना होती है। इस वास्तविकता के कारण व्यक्ति को समता में मन की समता का आश्रय लेना चाहिए। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्य का पालन करने से पहले ही इतनी सारी संपत्ति अर्जित कर ली थी, तो वह सफलता या असफलता की चिंता करके अपने कर्तव्य से बचने की कोशिश क्यों करे? जो लोग केवल अपने कार्यों के लिए पुरस्कार पाने की लालसा रखते हुए गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित होते हैं, वे हीन और नीच होते हैं। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। हे धनंजय, भगवान की आराधना के लिए मन की समता के साथ किए गए कर्म के विपरीत कर्म फल की इच्छा से किया गया कार्य मन की समता से किए गए कार्यों से ज्ञानयोग वास्तव में बहुत हीन है, क्योंकि यह जन्म मृत्यु आदि का कारण है। चूंकि ऐसा है, इसलिए ज्ञान का सहारा ले, उसका आश्रय ले जो योग से संबंधित है, या वास्तविकता के बारे में उस दृढ़ विश्वास से संबंधित है जो इसकी परिपक्वता से उत्पन्न होता है और जो निर्भयता प्राप्ति का कारण है। तात्पर्य यह है कि आपको सर्वोच्च लक्ष्य के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग निम्न कर्म करते हैं, जो पुरस्कार की प्यास रखते हैं, जो परिणामों से प्रेरित होते हैं, दयनीय है। श्रुति के अनुसार
हे गार्गी, जो इस अपरिवर्तनीय को जाने बिना इस संसार से चला जाता है वह दयनीय है।